बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टी वी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर से मुलाकात की और फॉर्मर प्लेयर से कुछ तजावीज़ दी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से। इस मुलाकात में क्या रहा, फॉर्मर प्लेयर्स ने क्या तजावीज़ दी, को आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उन्होंने अपने हेड कोच का ऐलान कर दिया है और गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जैसे ही वर्ल्ड टी20 इवेंट अपने नाम किया था उन्होंने फौरन ही जो है वो इंडियन टीम की कोचिंग करने से मजीद मना कर दिया था और उन्होंने कहा था उनका यह आखिरी असाइनमेंट है। तो काफी अरसे से यह बासगश जारी थी कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे और आज उसका बाजाबता तौर पर ऐलान कर भी दिया है। आज इन्हीं टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर जो खबरें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीसीबी से व्हाइट और रेड बॉल के हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी की मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से साबिक क्रिकेटर की अहम मुलाकात। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज पर तबादला ख्याल। टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशावरती अमल जारी रहेगा, कोचेस का मयार बढ़ाने की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर कौमी विमेन क्रिकेटर्स नजिया अलवी और आयशा अमजद पर जुर्माना आयद कर दिया गया। भारतीय बोर्ड का दौरे श्रीलंका में, रोहित शर्मा विराट कोहली को आराम देने का फैसला। पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ करार। यूरो कप सेमीफाइनल मुकाबलों का आज से आगाज, पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस मद्दे मुकाबले होंगे, दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और नीदरलैंड टकराएंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा। और इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने फॉर्मर प्लेयर्स से मुलाकात की है और फॉर्मर प्लेयर्स ने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से कुछ तजावीज़ भी दी हैं। जो प्लेयर इनसे मिले उन्होंने मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू की। किसी ने कहा कि जनाब केपी में कोई अकेडमी नहीं है, केपी में अकेडमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सलमान भट्ट ने तजवीज़ दी कि सलमान भट्ट ने कहा कि किसी को भी आप लीग का NOC दें तो उसके लिए 5 जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना ज़रूरी हैं। और किसी ने कहा कि मैं इतना तालीम याफ्ता हो गया हूँ, मुझे पीसीबी क्यों नहीं पूछता। और किसी ने कहा कि आपने टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए तो आपने पेंशन रख दी है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी पेंशन का सिलसिला होना चाहिए। गर्ज जितने क्रिकेटर इतनी ही बातें, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इस मुलाकात से क्या बेहतरी आएगी यकीनन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंतहाई कदावर शख्सियत ने, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं। 1975 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के ओहदे पे भी रहे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 20वें चेयरमैन के तौर पे भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी। मेरे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा नाम के जो माजी में भी हमारे शो का हिस्सा रहे, खालिद महमूद साहब ने हमें बज़रिए टेलीफोन कॉल ज्वाइन किया, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि जब आप जैसी कदावर शख्सियत जी स्पोर्ट्स के लिए अपना गुनोगु मसरूफियात में से अपना वक्त निकालते हैं। सर सबसे पहले तो बताइए कि इस किस्म की जो मुलाकातें हैं, या माजी में भी देखते रहे हैं कि क्रिकेटर्स आते हैं मुलाकात करते हैं, मुलाकात का एजेंडा कुछ और होता है, चेयरमैन किसी और मकसद से बुलाते हैं और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो अपने अपने CV लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कोई आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है इस मुलाकात का? बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, पहले तो उनका शुक्रिया। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हाँ ये रस्म है कि जो चेयरमैन और क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो खिलाड़ियों से रابطे में रहते थे और उनसे मशवरा भी लेते थे, लेकिन बात ये है कि ये मद्देनजर रखना चाहिए कि जो भी कोई क्रिकेट बोर्ड में दाखिल होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक हो, चाहे किसी और शोबे से ताल्लुक हो, वो किसी
किसी ना किसी गरज के साथ ही वो उसमें दाखिल होता है और उसके सामने एक अपना भी एजेंडा होता है अलावा उस एजेंडे के जो के क्रिकेट बोर्ड ने रखा होता है। तो लिहाजा वो जो आपने कुछ बातें की ना कि किसी ने ये कहा किसी ने ये कहा किसी ने ये कहा, तो इन बातों का तो आदी भी होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को और उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। बाकी जो इन्होंने खिलाड़ी बुलाए हैं, मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो अच्छा खिलाड़ी होने के अलावा उसको क्रिकेट की इंतजामी अमूर की और क्रिकेट की अच्छा खेलने वालों की कुछ पहचान भी थी। ये बड़ी अहम चीज है, अगर ये मेयार रखा जाए तो इसमें से बहुत से खिलाड़ी जो बुलाए गए हैं शायद वो ना बुलाए जाते। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जब 1987 में पाकिस्तान जो था वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहा था और आपको याद होगा के पांच टेस्ट मैचों में से एक ही नतीजा हेर हुआ, वो पाकिस्तान ने जीता था और वो जीता था सिर्फ महज एक अच्छे मशवरे से। यानी इसमें ये तारीखी हकीकत है, इसको इस पे बात करने में हर्ज नहीं है। वो जावेद मियांदाद थे जिन्होंने मशवरा दिया था उस वक्त के कप्तान इमरान खान को और टीम मैनेजमेंट को कि आपको ये जो जयपुर की आखिरी टेस्ट हो रहा है उसमें एक अच्छा स्पिनर बुलाने लेने की जरूरत है और एक ऐसा बैट्समैन भी जो उस विकेट पे ज्यादा देर ठहर सके, जिसके नतीजे में अगर मुझे सही याद पड़ता है तो बैट्समैन के तौर पे इजाज़ फकीर को बुलाया गया था, जावेद मियांदाद से मशवरा दिया था और गालबन इकबाल कासिम थे जिनको बुलाया गया था लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे, क्योंकि उससे पहले आपको बताया कि जब कप्तानी का मसला हुआ था तो इकबाल कासिम जो थे वो बोर्ड की हदायत पे चलते गए और इसकी वजह से वो मातूब ठहरे। तो ये दो खिलाड़ी आए और फिर आप स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए, इजाज़ फकीर ने सेंचुरी की थी और इकबाल कासिम ने तौसीफ के साथ मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो ऐसा अगर खिलाड़ी आप बुलाते हैं, अगर मसलन मैंने मशवरा करना होता तो मैं जावेद मियांदाद और इस कैलिबर के खिलाड़ियों को बुलाता जिनको खिलाड़ियों की भी पहचान है, जिनको विकेटों का भी पता है कहाँ पे कैसी चीज है क्या करना चाहिए, जो क्रिकेट से हर सतह पे वाबस्ता रहे। तो पहला मेरा तो इस पे ये है, तो बुलाए गए, काफी बुलाए गए और इतने ज्यादा तादाद में जरूरत नहीं थी, दो चार छह ऐसे लोग जिनको सारी समझ होती उनसे मशवरा किया जाता। बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि एजेंडा भी जो है वो वसी होना चाहिए। अब आप अगर सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें फिर क्रिकेट बोर्ड के मामला भी आ जाने चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड में क्या खराबी है जो कि ये सारी मैनेजमेंट कर रहा है और ये सब लोग जानते हैं। पुराने जमाने के क्रिकेट बोर्ड देखे वो आप कहेंगे कि जी उस वक्त मॉडर्न क्रिकेट नहीं होती थी और इतने ज्यादा क्रिकेट भी नहीं होती थी, लेकिन बहरहाल कुछ तो तकाबुल किया जा सकता है ना। उसमें बड़े थोड़े लोग होते थे और थोड़े लोग मिलकर बेहतर काम करते थे, ठीक है आप उसको डबल कर। अब तो सूरत हाल ये है कि एक फौज जफर मौत जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बैठी हुई है। अब कोई खिलाड़ी जो है वो ये नहीं बेचारा कह सकेगा कि जी आप इसकी अपनी डाउन साइजिंग करें या राइट साइजिंग करें ताकि आपका काम जो है साफ सुथरा हो सके, वो एजेंडे में भी शामिल नहीं था। फिर खिलाड़ी इसलिए भी बात नहीं कर सकते कि उनके अपने भी वाबस्तगी के बुनियाद पर मफादात होते हैं। तो एक अमूमी सी बहस मेरा है को डोमेस्टिक क्रिकेट की होती रहेगी और उस पर मुख्तलिफ मशवरे भी आते रहे। उसमें भी सबसे अहम बात यह है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पे भी जोर दिया गया, जो कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ है मुझे कहीं नहीं वो मैं तरसता रहा, मतलब मैं ढूंढ रहा था वो लाइन कि सबसे अहम जो है क्रिकेट और वो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट क्लास तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है, सबसे अहम क्रिकेट जो है वो क्लब क्रिकेट है, क्योंकि क्लब जो होता है वो नर्सरी होती है, वहां से ही आप वो बीज बोते हैं, वहां से ही वो खिलाड़ी निकलता है, वो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उसकी सलाहियतें जो हैं वो पॉलिश होती हैं, वो बेहतर होता है, फिर चला जाता है। तो इस मुल्क में मेरे ख्याल में क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज हुई है, किसी किस्म की भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये मशवरा भी नहीं दिया गया। बाकी जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही है। और जिस तरह आप 87 के इंडियन टूर की बात कर रहे हैं तो वह बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो पाकिस्तानी कामयाबी का बायस बने। यूनुस अहमद जो एक अरसे से मातूब है, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका का टूर किया था, एक रेबल टूर किया था, वो पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा नहीं थे, उनको उस टूर में जो है वो शामिल किया गया। फिर एजाज़ फकीर को बुलाया गया अहमदाबाद टेस्ट में, एजाज़ फकीर ने 100 किया। उसके बाद फिर एक फैसला वहाँ पर गलत हुआ कि सलीम जाफर को टेस्ट मैच खिलाया गया जिनसे एक भी ओवर नहीं करवाया गया, लेकिन फिर तौसीफ़ अहमद साहब ने जो बेंगलोर के हीरो हैं, इकबाल कासिम साहब जो बेंगलोर के हीरो हैं, इन्होंने
17 रन से जो है वो बेंगलोर टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो टूर था कि जो भावी मशवरों से जो है वो पाकिस्तान की जीत पर मुंतज हुआ था। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद खालिद महमूद साहब के विजडम से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग जी स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात के हवाले से। सर, आप खुद भी सेक्रेटरी रहे 70s में जब पाकिस्तान क्रिकेट का एक उरूज की जानिब सफर था, फिर आपने 99 में भी आपका जो टेन्योर था उसमें आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जो मुलाकात हुई है इसमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे क्रिकेटर थे कि जिन्होंने रिसेंट पास्ट में क्रिकेट छोड़ी है, कुछ ऐसे थे जो अभी ऑफिशियली रिटायर भी नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे थे कि जो मॉडर्न एरा से बहुत दूर थे, कुछ ऐसे थे जो उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए यकीनी तौर पे हम वो सब हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, लेकिन उम्र के इस हिस्से में कि जो दुरुस्त तरीके से ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, उनको शायद रोहित हिलाल कमेटी में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए बुला लिया है। बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, मैंने आपने तो बिल्कुल दो टो का बात कर दिया, सच्ची बात कर दी है। मैं उसको इस तरीके से बात कर रहा था कि कम अज कम बुलाते हुए ये तो देख लिया जाता कि इनमें से कौन इस अहल है कि मशवरा कुछ दे सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज है, इसलिए मैंने जावेद मियांदाद की मिसाल दी, और मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जो जिस सबका खिलाड़ियों में जावेद मियांदाद को ना बुलाया जाएगा वो क्या बात होगी। बेहतरीन उसकी पहचान है खिलाड़ियों की, क्रिकेट की समझ बूझ है, और इस तरह के और भी खिलाड़ी हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर जिनके नाम लूंगा बाकी उसका समझा जाएगा कि वो बिल्कुल उनको पता नहीं था, नहीं सबको कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र भी बड़ी तेज होती है, जिनकी जजमेंट बड़ी अच्छी होती है, जिनका तजर्बा बड़ा वसी होता है। तो ये क्राइटेरिया रख के चंद एक खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, उनसे मशवरा किया जाता, फिर जैसे मैंने अर्ज किया था कि उसका एजेंडा जो है वो ज्यादा वसी होना चाहिए था। मेरी ये तो नहीं कि आप टीम पे ही फोकस कर रहे हैं, टीम को ही आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसमें ही कोई उखाड़ पिछाड़ करते रहे हो, भाई आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि सारी ऊपर से भी बिगाड़ है, ऐसे इतने लोग बैठे हैं, मुझे जाती तौर पर जो मैं चूंकि इसमें ज्यादा नहीं वाकई लगता, लेकिन जो मीडिया में पढ़ता हूँ या इधर उधर से खबरें आती हैं कि वहां पे भी आपस में इतने ग्रुप बने हुए हैं, जिस किस्म के लोग हैं, हर कोई कोई ना कोई किसी स्कीम का हिस्सा बना होता है। तो पहले तो अपना घर ठीक करें ना, अगर आपने कुछ टीम अच्छा करना है तो अपने घर को ठीक करें, उन लोगों को का बंदोबस्त करें। फिर अगली बात यह है कि सारा ले दे के यही रह जाता है कि आपने गैरी क्रिस्टन को बुला दिया, आपने फलाने बंदे को बुला। मेरी राय है, और बहुत से लोग जो हैं वो मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मैं उस राय पे कायम हूँ कि अपने मुल्क के जो लोग हैं उनका मुल्क के क्रिकेट के लिए, खिलाड़ियों के लिए, टीम के लिए उनका दर्द भी ज्यादा है, उनके जज्बात भी जो है वो बड़े खलूस वाले हैं इसके लिए। आप मुझे देखें कि जितने बड़े बड़े कामयाबियां पाकिस्तान टीम को हुई हैं, हमेशा अपने जाती अपने कोच होते थे, अपने मुल्क के मैनेजर होते थे, और वो बड़ा अच्छा नतीजा निकलता था, ये कभी नहीं होता था कपाल। ये पता नहीं हमने सुना के ये बाहर के लोगों को कोच के लिए बुलाना शुरू किया हुआ है, और उसके बड़े लतीफे भी बने हुए हैं, पता नहीं मेहर वसीम अकरम या लतीफा सुनाया करते हैं कि एक फॉरन कोच आए हुए थे, और वो जो थे वहाँ पे जेफरी बायकॉट थे या कौन थे, तो वो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, और वो सर हलाते जा रहा था, वो इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई कि वो जब ख़त्म हुई तो वसीम अकरम कहते हैं कि मैंने उस खिलाड़ी से पूछा कि तुम्हें क्या वो बता रहा था, क्या समझ आई, बोलने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं वो क्या कह रहे, तो तुम सर क्यों हिला रहे थे उन्होंने पूछा, तो उसने कहा सर ना हिलाता तो वो आधा घंटा मजीद तकरीर सुननी पड़ती। ये तो हालात है हमारे कोचों के, गैर मुल्की कोचिज के और हमारे खिलाड़ियों को, मुझे समझ नहीं आती कि क्या किस चीज की कमी है हमारे लोगों में, यानी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, और कोचिंग ठीक है उसमें टेक्निकलिटीज भी हैं, बाहर के मुल्कों में बड़ी कोचिज की तरबियत होती है, लेकिन ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्टिंक्टिवली भी हमारे जो
सीनियर खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो अपने टीम को और यंगस्टर को समझा सकते हैं कि भाई तुम्हारी बैटिंग में ये मसला है, तुम्हारी बॉलिंग में ये खराबी है। अब बॉलिंग का हो तो आपके पास वकार यूनुस है, वसीम अकरम है और अच्छे अच्छे बॉलर हैं, स्पिनर्स में भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, बैटिंग में आप किसका किसका मैं नाम लूँ, एक से एक पढ़ के रखा है। तो बाहर के यार लोगों ने आके क्या कोई इंजेक्शन लगा देना है कि जिसकी मदद से खिलाड़ी अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे, तमाम चीज़ें ही गलत हैं और ना इस पर गुफ्तगू हुई है, ना ये एजेंडे में शामिल थी। मैं समझता हूँ कि इसके बगैर जो है वो मीटिंग कारामत नहीं हो सकती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जिस तरह भी आपने उस प्लेयर की बात की है तो एक तो जेफरी बायकॉट का इंग्लिश इंग्लिश बोलना, फिर उसके बाद उनका यॉर्कशायर का एक्सेंट, तो जिसकी वजह से वो प्लेयर जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सर आप समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर भी जो है कसूरवार हैं? कोई जो है वो IPL खेलने के लिए कह देता है कि भाई मेरे पास तो, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे पास तो इंग्लैंड की नेशनलिटी है इसलिए मैं IPL खेलने के लिए एलिजिबल हूँ। एक कह देता है क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए कि मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे वो शायद उनको कोई खिफत होती है कि उनको कमेंट्री मिल जाए IPL में। तो हमारे प्लेयर भी तो सर कहीं ना कहीं कसूरवार है ना, कि असाइनमेंट के लिए अपने आपको पाकिस्तानियत से ही दूर कर देते हैं वो। मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, प्लेयर कसूरवार हैं। और प्लेयर जो होता है ये नहीं कि हमेशा से ही बिल्कुल पाकिस्तान के सटके बारी जाते थे, लेकिन ये होता है कि ऐसा एक माहौल, क्रिकेट बोर्ड का काम है ऐसा माहौल पैदा करना कि हर खिलाड़ी जो है वो मुल्क के लिए खेलने को तरजीह दे, ऐसा उनके लिए मराहत की जाए, ऐसे उनके मुआवजे रखे जाएं। अगर ये जो लीग में जाते हैं वो पैसों के लिए जाते हैं ना, अगर आप उसी चीज़ को अपने सिस्टम में ले आएँ और अपनी लीग को और अपनी क्रिकेट को इतना मुनाफे बख्श चीज़ बना दें तो वो नहीं जाएंगे। आप बेशक कल कम बात के लोगों की निस्बत कम भी पैसा दें, लेकिन मुल्क के लिए खेलने में उनको एक शान नज़र आएगी, उनको एक लगेगा के वो ज्यादा हाथी लजीज होंगे। तो ये माहौल पैदा करना जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये हमेशा चीजें पुराने भी होती थी, आपको याद होगा वो कैरी पैकर का भी एक 70 की दहाई में मामला आया था, तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने उसको अच्छी तरह हैंडल किया, सख्ती भी की, उसके बाद मुआवजे भी बढ़ाए, सब कुछ किया था। तो ये ठीक है, खिलाड़ी गैर जिम्मेदारी का मजारा भी करते हैं, खिलाड़ी खुदगर्जी का मजारा भी करते हैं, खिलाड़ी लालच में भी आ जाते हैं, वो इंसान है, हर इंसान भी क्या बिल्कुल बच्चे हैं, उनकी उम्रें क्या हो रही है सारी। तो क्रिकेट बोर्ड जो होता है उसका फर्ज है कि वो ऐसा माहौल तैयार करे, ऐसे मामला करे कि वो ऐसे ना करें, वो उनके पास आए। और अगर कोई करे फर्ज, कोई एक आध खिलाड़ी है वो जरूर जिद्द है कि मैंने ऐसे ही करना है, तो फिर उसको सजा दी जाए। बिल्कुल सही है सर। और अब चूंकि वक्त थोड़ा कम है, जरा मैं क्विकली आपसे 2-3 सवाल बड़ी जल्दी जल्दी करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि अभी सर्जरी की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि सर्जरी तो जिंदा इंसान की होती है? इस वक्त क्रिकेटर जो हमारी क्रिकेट को जिस नहज पर लेकर आ गए अमेरिका से हारने के बाद, सुपर 8 में क्वालिफाई ना करने के बाद, तो अब सर्जरी के बजाय पोस्टमार्टम की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि सर्जरी की बात की जा रही है तो ये तो खुद बाबर आजम को कप्तान बनाने वाले खुद मोहसिन नकवी साहब हैं, तो बजाय इसके कि हम वार्ड बॉय को चेंज करें, बजाय इसके कि हम मरीज को चेंज करें, हम उस सर्जन को चेंज करने का ना सोचें जिसने सर्जरी की थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात बहुत दफा की जा रही है। नंबर एक देखिए, इस सर्जरी के बयान की आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए कि टीम अभी आपकी खेल रही है उस टूर्नामेंट में, चले जो भी उसके हालात थे खेल तो रही थी ना, तो उस वक्त कभी भी कोई सरबराह अदारे का ऐसा बयान नहीं जारी कर सकता स्वायर के बिल्कुल ही वो अपने होश में ना हो। वो बहुत ही बेवक्त बयान था, वो वहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद सर्जरी का लफ्ज जो है वो भी मेरा ख्याल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उसके लिए कोई बेहतर अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिसने ये सब कुछ किया उसकी होनी चाहिए, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप देखिए ये सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई थी, सिलेक्शन कमेटी में ये अनोखी इस तरह किसने की थी कि इसका सरबराह कोई नहीं होगा, सिलेक्शन कमेटी की 7 रुकनी तादाद किसने बनाई थी, सिलेक्शन कमेटी में गैर क्रिकेटर जो थे 1-2 शामिल किए गए, कोई एनालिस्ट और ये वो किसने शामिल किए थे, फिर उसको जो टीम को भेजा गया उसकी तैयारी का कौन जिम्मेदार था? मतलब सर बाबर आजम को कप्तान बनाया, शाहीन के 5 मैच के बाद हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाने वाले भी यही लोग थे।
वही लोग थे। फिर आप देखिए कि क्रिकेट अमेरिका में खेली जा रही है, आपकी टीम वहां इंग्लैंड में बैठ के खेल रही है। अब इंग्लैंड की कंडीशंस का ख्याल करें, वो किस किस्म की स्विंग हो रहा है वगैरह वगैरह, और आप अमेरिका में खेलना है लेकिन वहां रखा हुआ, ये कौन, इन सारी चीजों का कौन जिम्मेदार था? फिर जो टीम मैनेजमेंट साथ की गई थी, सुना है फौज जफर मौज थी, उसका कौन जिम्मेदार था? ये सारी चीजें जो थी उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सारा फोकस टीम पे रख दिया गया। और मुझे से ये ख्याल आता है कि बहुत से ऐसे ऐप और लाग डब्बे हैं जो क्रिकेट बोर्ड अपनी छुपाने की गरज से साफ नजला जो है खिलाड़ियों पे गिर रहा है, और वो भी खिलाड़ियों में से उन पे गिरेगा जिनका कोई वाली वारस नहीं होगा, जिनकी पुष्पनाई उनके खिलाफ जो उनकी अदारे कुछ कर रहे हैं तो वो बच जाएंगे, और बाकी कोई कमजोर जो है इसमें पकड़े जाएंगे। बिल्कुल गैर मुनसिफा ठीक है। खालिद महमूद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिस्कस करेंगे खालिद महमूद साहब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला जो है किस नहज पे जा रहे हैं, किस तरह से ये बेहतर होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम। सर, ये जो अभी आपने बातें ब्रेक पर जाने से पहले की हैं, ये बातें आप पहले भी करते रहे हैं, हम भी अपने शोज में करते रहे, और भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एंकर्स एनालिस्ट ये बातें करते रहे, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों हमें और आपको असलम परवेज, मुस्तफ़ा कुरैशी, ये शफकत चीमा के ब्रैकेट में रख देता है कि हम जो है वो बहुत बड़े विलन हैं और क्रिकेट बोर्ड के दुश्मन हैं? खुद आपके हवाले से भी क्रिकेट बोर्ड ने खास तौर पे एक बयान जारी किया था। ये तारीख में इस क्रिकेट बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस तरह नया रिकॉर्ड है कि मुझसे हमेशा ही तबसरा मांगा जाता है, और मैं बड़ी दयानतदारी से बिला कमोकाश जो मेरी समझ होती है वो मैं बयान करता हूँ कि मैं कोई वली अल्लाह नहीं हूँ, या मुझे कोई गैब का इल्म नहीं है कि मैं हर चीज़ ठीक ही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी राय देता हूँ और राय मैं देता रहा हूँ। इस क्रिकेट टीम पे भी मुझसे राय मांगी गई थी, और वर्ल्ड कप शुरू होने से कई दिन पहले मांगी गई थी, एक चैनल ने मुझसे गुफ्तगू की, और मैंने ये मसलन आखिरी उनका सवाल था, पहले उन्होंने पूछा खराबियाँ क्या है क्या है, मैंने वो खराबियां गिनवा दी थी कि इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है मामला। फिर उन्होंने पूछा कि आप कितने चांस देखते हैं वर्ल्ड कप जीतने का, मैंने कहा जीरो चांस देखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल इस टीम में सकत या एहलियत नहीं, ये मेरी राय थी, वो मैंने दे दी। और ये पहली दफा हुआ है, मेरे लिए भी बड़ी अचंभे की भी बात थी और बड़े अफसोस की भी बात थी, मैंने उस बात को जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाया, खाम खा एक नई शुरू हो जाएगी जंग, कि वो एक बयान जारी किया गया कि खालिद महमूद साहब ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, और टीम का जो है वो मोराल जो है वो पस्त किया है, और उनके हौसले किए हैं, उनको कोई समझ ही नहीं, वो अहमियत अपनी लेना चाह रहे हैं। बड़ी यानी मजा का खेल बयान था। मेरा ख्याल नहीं था कि ये क्रिकेट बोर्ड जो है एक अच्छा भला जिम्मेदार अदारा है, वो अपने सबका चेयरमैन के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू भी कर सकता है। मैं बहुत से अदारों का सरबरा रहा हूँ बतौर एक सिविल सर्वेंट, और हर जगह एक रवायत होती है। आप एक एक मिसाल देता हूँ, जैसे फौज में जो सबका जनरल होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको आम जो सर्विस में लोग होते हैं उनसे भी ज्यादा इज्जत दी जाती है, वकार दिया जाता है, का बड़ा एहतराम किया जाता है। और यह क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी रवायत थी और हमेशा होता था, हर दफा होता था कि कोई अहम मौका होता था, दावतनामा दिया जाता था, बुलाया जाता था, इज्जत दी जाती थी। ये पहला क्रिकेट बोर्ड है, और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इन्होंने इतनी अनोखी और शर्मनाक रवायत का आगाज किया है कि आपने एक सबक सरबराह के बारे में घटिया, फजूल, बेकार सा, यानी ऐसा बयान है जो नहीं जारी होता। तो सर, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि अगर आप क्रिकेटर होते, क्योंकि आपने जो गुफ्तगू की थी वो मैंने मनोअन सुनी भी थी और मुझे मनोअन वो याद भी है, अगर आप क्रिकेटर होते और इससे ज्यादा अगर आप हार्श अगर वर्डिंग यूज करते तो आपको क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट की बेहतरी के लिए बुला लेता, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे ऐसे लोग क्रिकेट में बेहतरी के लिए बुलाए हैं कि जो माजी में, मैंने कल भी शो किया था कि वो जब मैनेजर थे टीम के साथ तो वो कैटरिंग वाले के पैसे खा गए, जब कोच बन के गए तो टीम का विनिंग बोनस है उन्होंने जो है वो हड़प करने की कोशिश की है। तो क्रिकेट बोर्ड में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, और एक ब्यूरोक्रेट को, एक सिविल सर्वेंट को, एक फॉर्मर चेयरमैन सेक्रेटरी को, कि जिनका क्रिकेट पे एक बड़ा वसीत तजुर्बा है, उनके लिए पीसीबी जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर देता है। वो
आप जो मिसालें दे रहे हैं, आप ये देखिए, मैं इशारा भी उसकी तरफ कर रहा था कि क्रिकेट बोर्ड की अपनी सर्जरी की जरूरत है। जो कुछ वहां पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे वहां पे लोग बैठे हुए हैं, एम्बिशियस किस्म के लोग हैं, वो चिमटे रहना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ, वो अपनी जॉब से चिमटने के लिए वहां उन्होंने एक धड़े बंदी भी की हुई है, अपने साथ लोग मिलाए हुए हैं, और वो लोग फिर इसी किस्म के लोगों को। क्योंकि सर थोड़ा सा वक्त महदूद है, मैं बहुत जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ आपसे बहुत सारी चीजें आपसे एसेंस आपकी गुफ्तगू का मैं हासिल कर सकूं। 99 में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप हेड कर रहे थे, और 1999 में आप क्रिकेट बोर्ड को आप हेड कर रहे थे, और 1999 में अभी भी वो जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट फो, उस पर वो रिपोर्ट है कि जहां पे अभी विमेंस के साथ जिन मोहम्मद वसीम साहब को बतौर हेड कोच लगाया गया है उनके खिलाफ जावेद जमान साहब ने एक रिपोर्ट की थी और उन्होंने उन पर बैन भी लगाया था, उन पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया था। वो रिपोर्ट आपके जहन में है कि मोहम्मद वसीम पे क्यों उस वक्त कैनेडा में कुछ इमोरल एक्टिविटीज के ऊपर बैन लगाया और इस जैसे शख्स को जो है वो विमेन क्रिकेट के साथ लगा दिया गया, तो चुन चुन के जो है इस किस्म के करैक्टर वाले लोगों को क्रिकेट बोर्ड में शामिल किया जा रहा है? आपने 99 का हवाला दिया, ये हवाले के साथ आप क्योंकि काफी मुस्बत और अच्छी बातें क्रिकेट के बारे में कर रहे हैं, तो एक बात ये भी जरूर लोगों को बता दिया करें कि 99 का वर्ल्ड कप वो आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी, आखिरी, उससे पहले एक दफा 92 में खेली थी इमरान की बराई में और वो जीत गए थे, ये 99 में खेले थे लेकिन बदकिस्मती से वो हार गए थे। उसके बाद नसीब नहीं हुआ कभी पाकिस्तान को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल स्टेज से आगे जाना, बल्कि दो तीन तो वर्ल्ड कप ऐसे थे जिसमें इब्तदाई मरलों में ही टीम बाहर हो गई थी, 2003 में 2007 में ये वाकया पेश आया था, तो वो सबसे एक कामयाब वर्ल्ड कप था अलावा 92 के टूर के। तो ये तो मेरी तो कारकर्दगी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन पे आपके जो स्ट्रिक होते थे जावेद जमान साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते थे, मोहम्मद वसीम के हवाले से उन्होंने एक बैन लगाया था कि इमोरल एक्टिविटीज में ये कनाडा में इन्वॉल्व रहे, 50,000 रुपये इन पर जुर्माना किया था, डोमेस्टिक जो वनडे मैचेज हैं उन पर पाबंदी लगाई थी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस किस्म के लोगों को अभी विमेंस क्रिकेट विंग के साथ लगाया बतौर हेड कोच, अभी एक प्लेयर का मैंने आपको वैसे ही बताया कि जब वो मैनेजर थे तो वो पैसों के मामले में जो उनका किरदार था वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये चुन चुन के क्रिकेट बोर्ड क्यों इस किस्म के प्लेयर्स को लेकर आ रहा है? उसकी वजह मैं बता चुका हूं आपको कि वहां क्रिकेट बोर्ड में इतने ऐसे गैर जरूरी गैर अहम नावाकिफ लोग भरे हुए हैं जिनको जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी सौंपी गई हैं, और वो जब ऐसे लोग आप रखेंगे तो वो फैसले भी वैसे ही करेंगे जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं। कोई समझदार बंदा होता वो उस क्रिकेटर का रिकॉर्ड देखता और जो आप बता रहे हैं जावेद जमान वाली रिपोर्ट उसको सामने रखते हुए तो उसको तो वो करीब भी ना कहीं वो घुसने देता इसके, लेकिन चूंकि वहां पे बिल्कुल वो जो फारसी में कहते हैं तू मरा मुल्ला बगो मंसूरा हाजी बगो एम वो दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, इस तरह की अपॉइंटमेंट होती रहती है और आइंदा भी होती रहती है। अंजुमन ने सताइश वहां भी चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सर ये बताएगा कि जो अभी कहा जा रहा है कि इंडियन टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, क्या आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा या हमेशा जो है वो ये एक महबूब का वादा ही साबित होगा? मैं 2-3 इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि मुझे उनके आने के जो इम्कानात वो ना होने के बराबर नजर आते हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि वो नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि गौतम गंभीर को जो कोच बना दिया, हम गैर मुल्की कोचेस की तरफ देखते जा रहे हैं जबकि हम देख भी रहे हैं कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, तो हम उनके मॉडल को फॉलो क्यों नहीं करते? हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक के मॉडल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि एहसास कमतरी में मुबतला बैठे हुए हैं लोग क्रिकेट बोर्ड में जिनको कुछ समझ नहीं है, वो बड़ा नाम एक देखते हैं और वो समझते हैं कि ऐसा वो कुछ जादू का छड़ी उसके पास है जो वो हिलाएगा और सारी टीम खेलने लग पड़ेगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपने कोचेज ही काम आएंगे। सर अगर खालिद महमूद साहब इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की जगह होते तो बाबर आजम क्या फ्यूचर कैप्टन होते पाकिस्तान के? नहीं नहीं होते। आप देखिए बड़ी अच्छी मिसालें देखे, इंडिया की बड़ी खूबसूरत मिसाल है, उनके दो बेहतरीन क्रिकेटर जो सारी दुनिया में माने जाते हैं, एक थे सुनील गावस्कर और दूसरे थे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने उनको कप्तान बनाया और
बहुत जल्द एहसास हो गया कि कप्तान बनने की जिम्मेदारी की वजह से उनकी बैटिंग मुतासर हो रही है, तो उन्होंने फौरन उनको हटा दिया और दूसरे लोग ले आए। मैं समझता हूँ कि दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर उनकी मिसाल ही देख लें तो बाबर आजम को कह के भाई तुम बैटिंग करो, पूरा कंसंट्रेट करो और कप्तान हम किसी और को बना देंगे। ठीक है, और गावस्कर साहब की जिक्र किया खालिद महमूद साहब ने, अब जो कि अब से थोड़ी देर के बाद 12 बज जाएंगे तो कल जो है वो खालिद महमूद साहब ने इस तरह गावस्कर साहब का जिक्र किया, तो कल सुनील गावस्कर की सालगिरह भी है। तो जी स्पोर्ट्स की तरफ से खालिद महमूद साहब के याद दिलाने पर सालगिरह की सुनील गावस्कर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और जब भी आप आते हैं हमेशा से गुफ्तगू में एक तश्नगी रह जाती है, लेकिन आपका जो वैल्यूएबल टाइम है इसको देने के लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमेशा जी स्पोर्ट्स के साथ अपनी मोहब्बत का और अपनी मुद्दत का जो है वो इजहार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अली सलमान को जी स्पोर्ट्स से खालिद महमूद साहब के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।